राजेश पंडित, सिख धर्म बड़ा सेवा भावी धर्म है जी, ठीक है ना जी। मैं उनके सेवा भाव से बहुत आप्लावित रहता हूं, मेरा हृदय भर आता है जब मैं देखता हूं उनका सेवा भाव जी। एक बाबा है जेल में रहे अभी लंबे समय तक, अभी पेरोल पे आए तो पेरोल पे भी बवाल है उनके, पेरोल पे आने पे कोई कह रहा असली बाबा नहीं आया, नकली आ गया जी। ठीक, उन्होंने एक बार जब वो भाई भी बहुरूपी जी, थोड़ा अपने अपने ढंग से ड्रामा भी करते हैं, एक बार उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का ड्रेस पहन लिया, का जो वेशभूषा चित्रों में दिखाया जाता वो पहन लिया, मोर का पंख भी लगा लिया ऊपर पगड़ी में, इतने किया था, बाकी कुछ नहीं किया जी, क्या जी, आप जैसा फोटो में गुरु गोविंद साहब को दिखाते हैं वैसा उन्होंने ड्रेस प्रेस बनवा ली, क्योंकि बाबा भी बवाली थे, पैसा रुपया कमी नहीं थी, बनवा लिए शौक में, अब पंख लगा लिया जैसे वो लगाते थे। पंजाब और हरियाणा में सेना लगानी पड़ी थी, इतनी हिंसा हुई थी, इतना बवाल हुआ था, बाबा की जान बचाना मुश्किल हो गया था सेना के लिए। बोले भाई मजाक करते हो, अपने मन से अपने ड्रेस कोड तैयार करो वो तो ठीक है, इधर मत देखना। लेकिन मैं देख रहा हूं बॉलीवुड में आपने पीके बना दी, आपने उमाई गॉड बना दी, आप जितना कलाकारी है वो यही करते हो यार। राजेश पंडित, मैंने तो जैसा कि आज विषय है और जिस विषय पे हम यहाँ बैठे हैं जी, मैंने तो आते ही सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगी है और इस बात के लिए मैंने क्षमा अर्चना की है अपने तमाम दर्शकों से, आप सब प्रबुद्ध जनों से, और यहाँ आपके मन से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, और जिस तरह के ये जो सो कॉल्ड ये जो इस तरह के लोग हैं, ये तथाकथित लोग जैसे अब माँ काली के लिए इन्होंने ये स्वांग दिया, इस तरह से कर दिया, ये बहुत कम लोग हैं, मतलब बमुश्किल से, मतलब अगर परसेंटेज में भी गिने तो 1% से भी कम लोग हैं, लेकिन बदनामी हमारे पूरे समाज को झेलनी कहीं ना कहीं पड़ती है भाई। देखो राजेश पंडित जी, प्रतिशत में मत जाइए जी, आ रहे हैं माँ साधु आ रहे हैं आपके पास, मुझे कंचन जी के पास भी चलना, आपके पास भी आना, प्रतिशत पे नहीं जाइए जी। दुनिया में असंख्य चीजें हैं जी, है जी, चल अचल मिला के असंख्य चीजें हैं जी, क्या जी, तो प्रतिशत का ही उदाहरण बता दे रहा हूं, लेकिन एक परमाणु बम गिरा दीजिए जी, तो गड्ढा, पानी, राख, इसके अलावा कुछ तीसरी चीज नहीं, चौथी चीज नहीं बचती, सच्चाई प्रतिशत में तो वो कुछ भी नहीं है। इधर कई अरब चीजें, कई अरब ऑब्जेक्ट्स, उधर केवल एक बम, क्या बटन दबा जी, इसलिए प्रतिशत का मसला नहीं जी। एक सिरफिरा आदमी पूरे देश में आग लगा दे, पूरी दुनिया में आग लगा दे, तब नहीं। अब जैसे अभी कुछ फिल्मों के अगर मैं उदाहरण दूं, हमारी साउथ की जो साउथ का सिनेमा है वो इतनी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, और रही बात बॉलीवुड, बॉलीवुड ये तो चलन में चला आ रहा है बॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड कुछ नहीं, हिंदी सिनेमा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं, मैं पिछले 30 वर्ष से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, टेलीविज़न, सिनेमा और सब जगह, साउथ में भी काम कर रहा हूँ इन दिनों, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को, और इवन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और आने वाले समय बहुत अच्छा काम लेके आ रहे हैं, तो इन लोगों की वजह से हमें भी सुनना पड़ता है, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इनका अपराध क्षमा करने योग्य कतई नहीं, और मैं पुनः अपने कलाकार समाज की ओर से पुनः दर्शकों से माफी चाहता हूं, और इस तरह का जिस तरह से साध्वी विश्वरूपा जी कह रही हैं, कंचन द्विवेदी कह रही हैं, राहुल भाई कह रहे हैं, और आपके सारे प्रश्न हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सटीक हैं, और मैं स्वयं इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा से होने के नाते एज अभिनेता इस बात का कंडम करता हूं, और जो जिस तरह का कृत्य ये कर रही हैं वो किसी भी रूप से क्षमा योग्य नहीं है। राहुल जी, वैसा ना भी हो कि सजा भी खुद ही तय कर दें, मान लीजिए कि एक ही सजा नारा लग जाए, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होना चाहिए ताकि आस्था मान्यता इसके ऊपर जो कुठाराघात होता है उस पर कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए कि नहीं।
जरूर राजेश पंडित जी ने जो कहा वो बहुत ही स्वागतार है, नो उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आमतौर की आम आदमी के तौर से, मगर नो हमें ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि मैं वेस्ट में पढ़ा था, मैं लंदन में था, वेस्ट में नो हम हिंदुओं को नीचा दिखाता है, यू नो ब्लड ड्रिंकर्स कहते हैं, डेविल वर्शिपर्स कहते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, तो जब वो हमको मिस्र प्रश्न करेगा हिंदुओं के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म होगा, हेट मॉन्गरिंग होगा, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है और लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। हमारा हाई कमीशन ने जो किया वो बहुत एक्सेप्टेबल एंड वेलकम है। इसी तरह का रिएक्शन जैसे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल रेज कर रहा है, दस वर्ष बाद या 20 वर्ष पहले ऐसा एक ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स नहीं हुआ करता था। अभी हिंदू तो जाग गया, थोड़ा बहुत और जागना है, मगर फिर भी जाग रहा है, इसलिए एक पॉजिटिव माहौल है और ऑर्गेनाइज मॉडरेट रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन एनवर हिंदू फोबिया होता है वो हिंदू फोबिया के खिलाफ हमें जरूर देना है। साधु विश्वरूपा जी, क्या उपाय किया जाए ताकि ऐसे सिरफिरे लोगों को बार बार ऐसी धृष्टता करने से स्थायी तौर पर रोका जा सके? देखिए, अभी हम देख रहे थे इस खबर को बार बार, पूरा 2-3 दिन से ये चल रहा है, तो संवैधानिक रूप से ज्यादा FIR कर दिया है लोगों ने। FIR करने के बाद उनको भी पता है कि बहुत बार ऐसे कार्य हुए हैं, FIR हुई है, और अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही, आ रही। जी 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 हाँ, बिल्कुल, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं सरकार से, प्रशासन से गुहार लगाती हूँ, अनुरोध करती हूँ, अन्यथा क्यों संतों को आप जगा रहे हैं, क्यों माँ काली को जगा रहे हैं? माँ काली के रूप को आप समझिएगा, उनके कार्य को समझिएगा। तो बिल्कुल सरकार को संज्ञान लेना होगा, प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, मैं राजेश जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी, जैसे इन्होंने प्रतिशत की बात की, प्रतिशत तो फिल्मों में या तो बोल्ड फिल्में बनती हैं, या कॉमेडी फिल्म बनती है, या हिंसा पे फिल्म बनती है, धार्मिक फिल्में जितनी बनती है वो 100% सनातनियों को, हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है। आप उसमें देखते हैं, एक मौलाना है, वो बहुत खूबसूरत व्यवहार करता है, वो ईद पर बुलाता है, वो दिवाली पर भी जाता है, परंतु रियलिटी से बहुत दूर है। ईसाई को आप देखिएगा या आप सिख को देखिएगा, परंतु जितने पाखंडी होते हैं, जितने झूठे होते हैं, जितने फ्रॉड होते हैं, वो सारे ही सनातनी हैं। एक ऐसा रूप बना दिया गया है, जितने बाबा हैं, जितने संत हैं, उनको सरेआम गालियां दी जाती हैं। तो इस सारा बॉलीवुड को जो श्रेय जा रहा है, और जो आज पूरे समाज को खराब करने का, अगर मैं श्रेय देना चाहूंगी, ये दूषित करने का श्रेय सारा समाज को है। कोई प्रतिशत की बात नहीं है, जिस विषय पर फिल्म बनती है, अगर धार्मिक की हम बात करते हैं, धार्मिकता की, तो 100% हमारे धर्म को वहां खत्म किया जा रहा है, नकारात्मक किया जा रहा है। कंचन द्विवेदी, क्या अब समय आ गया है कि इतने गंभीर मसलों को महज हेट स्पीच के कानूनी धाराओं के तहत निपटाया नहीं जा सकता? हेट स्पीच में मुकदमे तो चुनाव के समय कई हजार दायर होते हैं, सारे नेता हेट स्पीच ही करते हैं चुनाव के समय, बाद में किसी का कुछ बिगड़ता देखा किसी ने? नहीं, सब मूछों बताओ देखे मस्त घूमते हैं, जो जीत गया सो संसद विधानसभा पहुंचा, जो हार गया वो घर रहा। मैं तो आज तक मुकदमे नहीं सुना दोबारा उनका कुछ हुआ हो। क्या इतना इतना कांड होता रहेगा और हम हेट स्पीच के ही तहत मामला दर्ज करते रहेंगे भाई, लोगों को भड़काने की कोशिश और हेट स्पीच? इतने ठंडे कानून से इतनी अभद्रताएं तो नहीं नियंत्रित हो सकती? कंचन द्विवेदी, नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि बहुत प्रकार से आपने एक बात कही कि ये केवल धाराएं जो 120 धारा लग गई या फिर 295 लग गई, 295A लग गई, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत छोटी चीजें हैं, क्योंकि ये पूरी धार्मिकता को बर्बाद करने के लिए काफी है। जो आप ये जब देख रहे हैं, ये जो भी हो रहा है, मैं कह सकती हूँ कि सरकार के द्वारा जैसे अब बुलडोजर की प्रक्रिया लाई गई कि जो माफिया नहीं मान रहे, माफियों के लिए भी ऐसे ही होता था कि आपके पास कुछ गया और आपने सोचा नहीं ये तो ठीक है, नोटिस है, और उसको फेंक दिया, कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन जब से बुलडोजर आया है तो चीजें बहुत बदल गई हैं, या आप और हम सब लोग समझ रहे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि इन चीजों के लिए भी कोई ना कोई आदरणीय योगी जी को
ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे कि इन लोगों को भी भय हो कि अगर गलत तरीके से कुछ चीजें हम फैलाएंगे या समाज में उन चीजों का गलत तरीके से प्रमाणित करवाने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए ऐसा कोई कानून बन गया है या ऐसी कोई व्यवस्था हो गई है जो कि हम लोग को दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके माध्यम से ये बात बिल्कुल ही पहुंचेगी और मैं जहां तक पहुंच सकती हूँ उस बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। बस यही कहूंगी इस समय पर, मैं यही कह रही हूँ कि जो लोग कहने वाले हैं, जो लोग ये कहते हैं हमारे वेद पुराण शास्त्र हमेशा याद है सर्वभूतेषु सत्य रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 कहते रहे हैं, नमो नमः कहते रहे हैं, तो वो लोग अब इस तरीके से उतर आए हैं या उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो किस तरीके के स्वभाव को और उनके उद्देश्यों को उल्टा ही करते चले जा रहे हैं, बदलते ही चले जा रहे हैं। काली बुराइयों को समाप्त करने के लिए अवतरित हुई है, ना कि बुराइयों को प्रमाणित करने के लिए। आपने उनके हाथ पर सिगार या फिर सिगार पकड़ा दी है, ये चीजें बहुत ही गंदी है और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं धार्मिकता, ये जो तथाकथित धार्मिक है वो अपने धर्म को ऊंचा बनाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा गिराने की प्रक्रिया में मंशा में लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगी कि इन सारी प्रक्रियाओं पर बिल्कुल ही इनका खंडन होना चाहिए और इन पर थोड़ा सा दबाव या फिर कसा लगना चाहिए। ठीक, राहुल ईश्वर, हेट स्पीच में मुझे लगता है क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आपने तो मुकदमा लड़ा है, दो लोगों ने आपस में गाली दे दी, वो भी हेट स्पीच में आ गई, ठीक। दो ही लोग प्रभावित होंगे उससे, ठीक ना, या तो एक्स वाई का सिर फोड़ देगा या वाई एक्स का फोड़ देगा, ठीक। कई सौ या पूरा मोहल्ला, पूरा जिला, पूरा प्रदेश तो प्रभावित नहीं होता, लेकिन इनकी इनका फलक इतना बड़ा होता है, इस ढंग की जो शरारतें होती हैं कि उनसे करोड़ों लोग एक साथ में, एक रियल टाइम में प्रभावित हो जाते हैं, तो वो खतरे का रेडियस बहुत बढ़ जाता है। तो क्या कानून में वैसा अंतर नहीं होना चाहिए? सर, इसमें एक बात है, हमारे देश में कई 50 साल से एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू फोबिया, जो एक मास्क होता है, प्रोग्रेसिव मास्क, लिबरल मास्क, सेक्युलर मास्क, ये सभी मास्क से, एक सभी दिखावा से एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू फोबिया चल रहा है। जब भी हम हिंदुओं के बात कर रहा है वो कहता है कि ये कम्युनल है, ये बिगट है, ये इनो नीचा है। आपको पता होगा कि जब सैटानिक वर्सेस आया, दुनिया का सबसे पहला देश जो सैटानिक वर्सेस को बैन किया वो इंडिया था। राजीव गांधी ने सैटानिक वर्सेस को बैन किया 50 इस्लामिक नेशन से पहले। पर जब भी हिंदू के बात आते हैं, जैसे आपने कहा एम्मा हुसैन के बात आता है, जब हम लड़ रहे थे तभी लोग कह रहे थे कि कम्युनल है। मैंने उससे पूछा था ये कैसे कम्युनल हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद को रेस्पेक्ट करो, जरूर करो, जीसस क्राइस्ट को रेस्पेक्ट करो, सभी धर्म को रेस्पेक्ट करो, जब हम हिंदू रेस्पेक्ट के लिए डिमांड करता है वो कम्युनल हो गया। हमारे लेफ्ट लिबरल लोग है जो अपना प्रोग्रेसिविज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सभी एक मास्क पहनकर हिंदू फोबिया ये से ही फैलाता है। सो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू फोबिया के खिलाफ लड़ना चाहिए, हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ लड़ना चाहिए। और वो हिंदुओं के स्वाभिमान, जो कोई भी हमारे देवी देवताओं को इंसल्ट करेगा, हमें लीगल एक्शन होगा, सोशल एक्शन होगा, इंटरनेशनल लेवल पर रिएक्शन भी होगा। इसी तरह की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें देना है।